कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ओइजा बोर्ड पर खेल रही होती हैं। यह लोग गेम खेलते हुए आसपास के स्पिरिट्स को बुलाने लगती है। डेबी मिरर के आर पार देखने लगती है और तभी उसे कुछ नजर आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब 10 साल बीत जाते हैं और हम डेबी को ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। डेबी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही होती है और वह ओइजा बोर्ड को आग में जला देती है। तभी लेन बाहर से डबी को आवाज लगाती है और वह डबी को अपने साथ घूमने चलने बोलती है, लेकिन डबी बाहर जाने से मना कर देती है और वह लेन को अपने घर के अंदर आने से मना कर देती है। लेन अकेले ही घूमने चली जाती है। वहीं डेबी अंदर आकर खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। वो उठकर देखती है तो उसका बैक डोर भी खुला हुआ था जहाँ से हवा आ रही थी। डेबी रिलैक्स होकर वापस अंदर आती है कि तभी किचन में रखा चूल्हा अपने आप जल जाता है। खैर, इन चीजों को इग्नोर करके डेबी अपने कमरे में सोने आती है जहाँ से उसे ओइजा बोर्ड और उसका मिरर उसके बेडरूम में आखिर कैसे आया। डेबी को अपने आस पास किसी के चलने की आवाज आती है। वो घबरा कर से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। डेबी के फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें डेबी का बॉयफ्रेंड पिट भी होता है। चूंकि डेबी और लेन बचपन के दोस्त थे और दोनों बहनों की तरह ही रहते थे, तो डेबी की माँ लेन को डेबी के कुछ सामान देती है जिससे लेन हमेशा डेबी को याद रख सके। लेन घर आती है और डेबी के याद करते हुए उसकी पुरानी वीडियोस देखने लगती है। वे बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि डेबी और लेन बचपन से एक साथ रहते थे और डेबी के सुसाइड ने मानो एक पल में ही लेन की भी आधी जिंदगी छीन ली हो। यही हम देखते हैं कि लेन और सैरा के डैड को बिजनेस के वजह से कहीं जाना पड़ता है। डेबी के घर को साफ करने के लिए लेन शाम में अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ डेबी के घर आती है। ट्रेवर स्विमिंग पूल के प्लास्टिक हटाने चला जाता है तो वही लेन कमरे की साफ सफाई करने लगती है। यहाँ वह देखती है कि घर का लैंप अपने आप ही ब्लिंक कर रहा होता है और तभी लेन को डेबी के रूम में ओइजा बोर्ड मिलता है। ओइजा बोर्ड को देखकर लेन अपना बचपना याद करने लगती है और वह ट्रेवर को बताने लगती है कि कैसे वो और डेबी बचपन में खिलौने की दुकान से ऐसे ही एक बोर्ड लेकर आए थे और कैसे वे लोग बचपन में एक ऐसे ही बोर्ड से खेला करते थे। लेन अगले दिन डेबी के बॉयफ्रेंड पीट से मिलती है और वो पीट से पूछती है कि डेबी और तुम्हारे बीच क्या सब कुछ सही चल रहा था, जिस पर पीट कहता है कि डेबी कुछ दिनों से बहुत अजीब रिएक्ट कर रही थी और वो उसे अपने घर के अंदर आने से भी मना कर रही थी। लेन को भी डेबी ने घर में आने से मना किया हुआ था। अब लेन को लगता है कि डेबी के साथ कुछ तो गलत हुआ होगा वरना वो क्यों सबको अपने घर पे आने से मना कर रही होती है। लेन फिर ट्रेवल इजाबेल से मिलती है और उन्हें अपने साथ ओइजा बोर्ड पर गेम खेलने को बोलती है। वो बताती है उसे डेबी से कॉन्टेक्ट करना है कि आखिर उसने क्यों और कैसे सुसाइड किया। ये दोनों लेन को समझाते हैं कि वो बस एक बोर्ड गेम है जो कि हर खिलौने की दुकान पर मिलता है, लेकिन लेन जिद करने लगती है कि बस एक बार वो लोग उनके साथ यह बोर्ड गेम खेले और अगर सामने से कुछ भी नहीं होगा तो लेन उन्हें दोबारा इस गेम को खेलने के लिए नहीं बोलेगी। फिर ये लोग लेन की बात मान लेते हैं और यह सब लोग मिलकर फिर डेबी के घर आते हैं। लेन के साथ उसकी बहन सैरा भी आ गई थी और लेन का बॉयफ्रेंड ट्रेवल और उसकी बहन इजाबेल भी डेबी के घर आ गए थे। सारा अपनी बहन लेन पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसकी बहन लेन उनसे कुछ भी बच्चों वाली हरकतें करवा रही है। खैर, ये सब मिलकर चार लोग होते हैं और तभी एक आवाज से ये सारे लोग डर जाते हैं। ये देखते हैं कि डेबी का बॉयफ्रेंड पीट भी यहाँ पर आ गया था। ये लोग अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर गेम खेलना शुरू करते हैं। लेन सबको गेम के तीन रूल बताती है। पहला कि इस गेम को अकेला नहीं खेलना। दूसरा कि कोई भी इस गेम को किसी भी खाली स्थान में नहीं खेलना। तीसरा और आखिरी रूल, और जब गेम खेला हुआ हो जाए तो सभी को बोर्ड पर गुड बाय बोलना होगा। ये सब लोग लेन की इन सारी बातों को मजाक में लेते हैं पर फिर भी लेन का दिल रखने के लिए ये सब खेलना शुरू कर देते हैं। लेन सवाल करती है कि अगर कोई स्पिरिट हम लोग के आस पास है तो वो अपने आप को जाहिर करे, और तभी मिरर फिर से वापस मूव होने लगता है और हाई फ्रेम स्पेल होता है। लेन फिर पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर से मिरर जब डी पर मूव होता है तो इन सभी को लगता है कि ये स्पिरिट डेवी की है। लेन अब डेवी से रिलेटेड सवाल करने लगती है। वो डेवी से पूछती है कि तुम हमें बताओ कि तुम्हें सुसाइड क्यों किया। इस बात पर मिरर या फिर जिसकी भी ये स्पिरिट हो वो हमें इन बातों का जवाब देना चाहती हो। ट्रेवर और लेन किचन में मोमबत्ती ढूंढने आते हैं जहाँ वे पाते हैं कि घर का गैस चालू है। अगर वह वक्त रहते यहाँ पर ना आते तो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता। वहीं पीट को नीचे में आईने के पास कुछ खिसकने की आवाज आती है और उसे अंधेरे में ही आईने में किसी की परछाई दिखती है।
तभी उसे एक धक्का लगता है और वो जाकर सीधा आईने से टकराता है। इसके बाद यह सारे लोग डरकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन ट्रेवर कॉलेज से अपने घर वापस जा रहा होता है, वहीं एक अंडरग्राउंड टनल से उसे कोई धक्का देता है। तभी वहां रखा कार्ट भी अपने आप मूव होने लगता है और ट्रेवर को दीवार पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। इसी तरह से इजाबेल को भी अपनी गाड़ी पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। वही पीट को भी अपने रूम के डेस्क पर, साथ ही लेन और सहरा का भी घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और किसी के अंदर चलने की आवाज आती है। घबराकर ये दोनों अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। तभी कोई इनके रूम का दरवाजा पीटने लगता है और साथ ही लैपटॉप पर इन्हें हाय फ्रेंड लिखा हुआ दिखता है। मतलब साफ था इन लोगों ने जिस भी स्पिरिट को कांटेक्ट किया था वो अब आउजा बोर्ड के थ्रू इनके पीछे लग चुकी थी। मजबूरन अब इन लोगों को दोबारा से आउजा बोर्ड खोलने जाना पड़ता है। लेन बोर्ड पर हाथ रखकर पूछती है कि अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो वह हाँ या ना में जवाब दे, तो उसे हाँ में जवाब मिलता है। लेन पूछती है कि क्या तुमने अपने मन से खुदकुशी की थी, जवाब में नो आता है। लेन दोबारा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया था, जवाब में इस बार मिरर में कुछ नहीं आता। अब पीट डेबी से सवाल करता है कि क्या तुम्हें याद है जब हम अपनी पहली डेट पर घूमने गए थे, जवाब में यस आता है। पीट अब घबराते हुए बोलता है कि यह डेबी की स्पिरिट नहीं हो सकती क्योंकि मैं डेबी के साथ कभी डेट पर गया ही नहीं। लेन पूछती है कि वो कौन है, जवाब में मिरर में इन सबके आंख के डर के आंसू आते हैं यह सोच करके कि ये लोग तो कभी डेबी से कांटेक्ट किए ही नहीं और डोरिस नाम की कोई बूढ़ी स्पिरिट अब इनके पीछे लगी हुई है। तभी मिरर के थ्रू देखती है कि वह एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है जिसका मुंह सिला हुआ है और वह एक औरत की स्पिरिट है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग खड़े होते हैं। अगले दिन इजाबेल अपने घर आकर धागे से दांत साफ कर रही होती है, तभी इस धागे से उसका मुंह सिलने लगता है। अपने आप ही वह हवा में उठने लगती है और एक झटके से बेसिन से टकराकर मारी जाती है। इन्हें समझ आ जाता है कि अगर ये लोग जल्दी इसका कोई उपाय नहीं निकालेंगे तो यह सब भी एक एक करके मारे जाएंगे। लेन और पीट वापस से डेवी के घर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एटिक में पुराने होम ऑनर की एल्बम मिलती है। आर्काइव में देखकर इन्हें पता चल जाता है कि डोरिस की एक बहन भी थी जिसे पुलिस ने ठीक करने के लिए मेंटल असाइलन में उस बच्ची को ले गया था। लेन उस बूढ़ी औरत से उसकी माँ डोरिस के बारे में पूछती है। वो पूरी बताती है कि उसकी माँ ब्लैक मैजिक किया करती थी और वो ब्लैक मैजिक में इतना ज्यादा घुस गई थी कि एक टाइम ऐसा आया कि उसकी मदर ने डोरिस का मुंह सिल दिया और उसे मरने के लिए कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद इस बूढ़ी औरत ने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया और ठीक होने के लिए पुलिस ने इसे बचपन से ही मेंटल असाइलन औरत को लेकर गई। लेन को घर में एक खुफिया कमरे होने की बात बताती है जहाँ इसके मुताबिक डोरिस की लाश रखी होगी। इस बूढ़ी औरत का कहना था कि डोरिस की स्पिरिट तो बिल्कुल सही है और जो इन लोगों के साथ गलत हो रहा है वह उसकी मदर करवा रही है। यह बूढ़ी औरत लेन को बताती है कि लेन जाकर डोरिस का सिला हुआ मुंह खोल दे जिससे कि डोरिस आजाद हो जाएगी और वो मदर को काबू में कर लेगी। लेन ऐसा ही करती है। वे अपने दोस्तों के साथ उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां जाकर उसे सच में डोरिस की लाश दिखती है और लेन फिर जाकर डोरिस के मुंह पे लगे टाके को खोलने लगती है। अचानक मदर भी पीछे से आ जाती है और वह लेन के टाके खोलने से मना करती है। लेन लेकिन जल्दी से ही डोरिस का मुंह खोल देती है और डोरिस का मुंह खुलते ही वो अपनी चीख से मदर को मार डालती है। यह सब लोग खुश होते हैं कि मदर मारी जा चुकी है और अब बला टल चुकी है। हंसी खुशी ये लोग अपने घर वापस आते हैं। पीट जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है वह डेबी को अपने कमरे में पाता है और अब पीट का भी मुंह सिल जाता है। दरअसल यह डोरिस की स्पिरिट होती है और वह पीट भी मारा जाता है। लेन को यह समझ नहीं आता कि पीट की मौत कैसे हो गई। डोरिस की बहन के कहने पर उसने डोरिस के लाश के मुंह से टांके भी खोल दिए थे और डोरिस की स्पिरिट ने मदर की स्पिरिट को भी मार डाला था। तो फिर पीट की मौत आखिर कैसे हुई? लेन वापस से डोरिस की बहन के पास जाती है। अब वो औरत पागलों की तरह हंसकर बताती है कि असली शैतान तो डोरिस है। वो डोरिस ही थी जो ब्लैक मैजिक किया करती थी, ना कि मदर। और डोरिस को रोकने के लिए ही मदर ने डोरिस के मुंह पे सिलाई करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब इस बूढ़ी औरत के बहकावे में आकर लेन ने डोरिस को अच्छा समझकर डोरिस का मुंह खोल दिया और जिस मदर ने इविल डोरिस को अब तक काबू में किया हुआ था उस मदर की स्पिरिट को डोरिस ने अब मार डाला था। लेन यह सारी बात ट्रेवल और सारा और अब उन्हें डेवी के घर आने को बोलती है। ट्रेवर जब वहां पहुंचता है तो सारा उसे
पुल के पास बुलाती है। सारा का पीछा करते हुए ट्रेवल पुल के पास पहुंचता है और वही ट्रेवल को डोरिस की स्पिरिट पुल में डुबाकर मार डालती है। दरअसल सारा तो अब तक यहां पर पहुंची ही नहीं थी। डोरिस की स्पिरिट ने ही सारा की शक्ल अपनाकर ट्रेवल को जाल में फंसा लिया था। सारा और लेन जब सच में यहाँ पहुँचते हैं तो वे ट्रेवर को हॉल में देखते हैं जो कि पूरा भींगा हुआ था और उसका मुंह भी सिला हुआ था। तभी अचानक ट्रेवल वहीं पर पानी बनकर बिखर जाता है। इन्हें समझते देर नहीं लगती कि ट्रेवल भी मारा जा चुका है। भागते हुए सारा अंदर जाकर डोरिस की लाश को जलाने की सोचती है। वहीं लेन भी उस आउजा बोट को जलाने जाती है जिसके थ्रू इन लोगों ने डोरिस से पहली बार कांटेक्ट बनाया था। डोरिस की स्पिरिट सारा से अपनी लाश को प्रोटेक्ट करने लगती है। ये देखते हुए लेन भी गेम खेलने लगती है और गेम खेलते हुए वह सभी स्पिरिट को अपने पास बुलाने लगती है और फिर आउजा बोट के रूल के तहत डोरिस को लेन के बुलाने पर आना पड़ता है जिससे कि सारा फ्री हो जाती है और अब वो डोरिस की लाश को जला सकती थी। बाहर आकर डोरिस लेन को भी हर्ट करने लगती है और अब चूंकि लेन ने आसपास की सभी स्पिरिट को बुलाया था तो अब यहाँ डेवी की स्पिरिट भी आती है जो कि लेन की मदद करती है। उतने में सारा भी डेविस की लाश को जला डालती है। लेन भी आउजा बोट को जला डालती है। डोरिस की लाश और आउजा बोट के जलने के साथ ही डोरिस की स्पिरिट भी तबाह हो जाती है। कुछ दिन बाद हम लेन को धागे से दांत साफ करते हुए देखते हैं और वापस से आउजा बोट का मिरर इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।